रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में कोहराम, सताने लगा पीओ के छिनने का डर। जी हां दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोक रहा था। अब हालत ये है कि पीओ के भी उसके हाथ से निकलता करीब करीब तय हो चुका है। पीओ के में भारत का तिरंगा प्लान काम कर रहा है और इमरान खान को इसी तिरंगा प्लान का डर सता रहा है। उनके बयानों से लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्हें इसका मलाल कम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें डर इस बात का है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद ना हो जाए। दरअसल इमरान इस बात से निश्चिंत थे कि भारत में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने उनके होश उड़ा दिए। झूठ बोलकर पाकिस्तान में जैसे तैसे सरकार चला रहे इमरान आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को भूल नहीं पाए हैं। वे चाहकर भी यह बात भुला नहीं पाते हैं कि एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तानी सेना की कैसे दुर्गति की थी। बालाकोट हमले के बाद इमरान खान शुरू में कहते रहे कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, फिर मजबूरन मान लिया कि स्ट्राइक हुई थी लेकिन नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान आज तक इस हमले का सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। उन्हें डर है कि ये सच बताते ही वे तख्ता पलट का शिकार हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कंपनियों का चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम, कच्चे तेल का आयात किया बंद। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय कंपनियों ने चीन के खिलाफ एक और फैसला किया है। भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने अब चीन से जुड़ी कंपनियों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। सरकार के हालिया निर्देश के तहत यह कदम उठाया गया, जिसमें भारत की सीमा से लगने वाले देशों से आयात को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य है। सीमा विवाद के बीच 23 जुलाई को मोदी सरकार ने नए नियमों की घोषणा की थी। नए आदेश के जारी होने के बाद से सरकारी रिफाइनरियां अपने आयात टेंडर से इससे संबंधित एक क्लॉज जोड़ रही हैं। सरकारी कंपनियां भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के साथ लेन देन को प्रतिबंधित करने के लिए टेंडरों में शर्त लगा रही हैं। बीते सप्ताह भारतीय कंपनियों ने CNOOC लिमिटेड, यूनिपैक और पेट्रो चाइना को कच्चे तेल के आयात वाले टेंडर बेचने से रोकने का फैसला लिया गया। नए नियमों के अनुसार भारतीय टेंडर में भागीदारी के लिए पड़ोसी देशों की कंपनियों को वाणिज्य विभाग के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया था। चीनी टैंकर लेने भी किए बंद। इतना ही नहीं, सरकार संचालित तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित या उनके मालिकाना हक वाले तेल टैंकरों की बुकिंग को भी बंद करने का फैसला लिया है, भले ही जहाज किसी तीसरे देश में पंजीकृत हो। यह निर्णय चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले महीने जारी निर्देशों के तहत आया है। व्यापार पर नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रभाव। हालांकि इस फैसले से तेल कंपनियों के व्यापार पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जहाजों में चीनी जहाजों की संख्या बहुत कम है। बता दें कि तेल कंपनियों के पास पहले से ही अपनी वैश्विक निविदाओं में भारतीय जहाजों के पक्ष में फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का खंड है। इसके तहत अगर भारतीय टैंकर विदेशी जहाजों की विजयी बोली से समानता रखते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। भारत सरकार के इस ताज़ा फैसले से हर वह जहाज कारोबार के मामले में दायरे से बाहर हो जाएगा जिसका चीन के साथ कोई भी संबंध होगा।